चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर अटैक। हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ है, आईएसआई के इशारे पर हमले की आशंका है और जांच में फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो पंजाब के तरनतारन से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर अटैक किया गया है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन साफ है तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि दरवाजे में लगे जो शीशे हैं वो इस अटैक में टूट गई हैं और ये अपने आप में हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। आईएसआई के इशारे पर हमले की आशंका जताई गई है। तो फिलहाल जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, पुलिस स्टेशन पर यह अटैक किया गया है। हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ है, आईएसआई के इशारे पर हमले की आशंका जताई गई है और जांच में इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो फिलहाल आपको दे रहे हैं जानकारी पंजाब से, जहां पर आपको जानकारी दे रहे कि पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे हमले में थाने के एक हिस्से का जो शीशा है वो टूट गया है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये आरपीजी अटैक माना जा रहा है, जो काफी पावरफुल होता है।